अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे और भाईजान क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही बैठा था तो मैंने सोचा यार थोड़ा पानी लगा देता हूँ, तो इनमें पानी लगाने आ गया। और भाईजान घर पर सब कैसे हैं? अरे शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है बिल्कुल। और तुम बताओ कैसे हो? यार भगवान की दया से सब अच्छे हैं। ठीक है भाईजान, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी के जा, फिर कभी। अरे फिर कभी। अरे ओ इधर आओ। हाँ पापा। हाँ कहाँ गया था पापा? वो मैं क्या मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गया था पापा? वो मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था। अच्छा अकरम के घर गया था? तुझे कितनी बार बोला उसके घर मत जाया कर। पर पापा वो मेरा दोस्त है। तेरे दोस्त से पहले वो एक मुस्लिम है। मुस्लिम है तो क्या हुआ, मुस्लिम इंसान नहीं होते? चुप। पर पापा। बिल्कुल चुप, जितना कहा उतना किया कर। ठीक है पापा। और सुन। हाँ? कल से उनका रमजान महीना शुरू होने वाला है, तू उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है पापा। पता नहीं क्या क्या सोचले करते हैं। यदि भूखा रहने से भगवान खुश होता तो सबसे ज्यादा उन लोगों से खुश होता जिन्हें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। भाईजान, भाईजान एक बार मेरे साथ आइयो। अरे क्या हुआ? एक बार आओ तो सही, मैं बताता हूँ। अरे यार बता तो सही, एक बार आओ तो सही। अरे कुछ तो बता यार। एक बार आ जाओ यार। अरे बता ना। अरे बता तो सही। भाईजान रमजान का पहला चांद मुबारक हो। तुझे भी मुबारक हो मेरे भाई। ऊपर वाला तुझे भी खुश रखे मेरे भाई। ठीक है भाईजान, तो मैं चलता हूँ फिर। अरे क्या हुआ यार? पापा इंतजार कर रहे हैं। चल। कहाँ गया था वो पापा? मैं क्या मैं अकरम के पास गया था ना। ले बेटा खाना खा ले। नहीं पापा मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। बेटा तूने खाना खाया? नहीं पापा वो मुझे भूख नहीं लगी अभी तक। लगता है अभी तक नाराज है।
ये इतनी रात को? बात है, तभी मैं सोचूं कल इसको भूख क्यों नहीं लगी। ले बेटा खाना खा ले। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है और कुछ बात है? नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने देखा था कल रात को तू 4 बजे खाना खा रहा था। तूने भी रोजा रख रखा ना? अरे तू क्यों भूखा मर रहा है? वो पापा मेरा दोस्त भी तो भूखा है, उसने भी तो रोजा रख रखा है ना। अरे बेटा तू उसके लिए क्यों भूखा मर रहा है? ये मुस्लिम लोग किसी के भी नहीं हो सकते। पापा आपको इन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? ये भी तो इंसान है। चल तुझे आज बताता हूँ। बेटा जब मैं विदेश में रहता था ना, तब पाकिस्तान का एक लड़का मेरा दोस्त था और वो भी मुस्लिम था। तब तेरी माँ भी जिंदा थी और तू बहुत छोटा सा था। एक दिन तेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और उसके इलाज के लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। और जब मैं विदेश से भारत आने वाला था तब उसी रात उस लड़के ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए और मैं तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करा पाया। और बस उसी दिन से मुझे इन सब मुसलमानों से नफरत हो गई। पर पापा हर मुसलमान एक जैसा थोड़ी होता है। चुप। मैं तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ और तुम्हें नहीं खोना चाहता। तो ठीक है पापा, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं ना तो मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगा। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं। डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? जी देखिए, आपके बेटे की हालत सीरियस है। उसके सर पे गहरी चोट लगने की वजह से उसका सारा खून निकल गया है और उसको जल्द से जल्द खून की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब उसे जल्द से जल्द खून चढ़ाइए आप। जी देखिए, आपके बेटे का खून ओ नेगेटिव है जो कि हमारे ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। चलो ठीक है, आप दे दीजिए।
जी देखिए, आपका खून आपके बेटे से मैच नहीं हो रहा है। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है तो आप उसको ले आइए, हम उसका खून आपके बेटे को लगा देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उपलब्ध करवाता हूँ, पर मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, आप जल्दी जल्दी खून उपलब्ध कराइए। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ? मुझे खून कहीं पे नहीं मिला। देखिए आपके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर अगले एक घंटे में उसको खून नहीं मिला तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है और शायद हम उसे बचा भी ना सके। तो अगर आप जल्दी से जल्दी खून उपलब्ध करा सकते हैं तो कराइए। डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, चाहे कितने भी पैसे लगे। जी देखिए, बात पैसों की नहीं है, आज उसे खून की जरूरत है। अगर अगले एक घंटे में उसे खून मिलता है तो हम उसे बचा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। भाईजान भाईजान, वो आपका दोस्त। अरे तू? हाँ। तू क्यों है यहाँ पे? वो अंकल बबलाल। हाँ तो तुझे उससे क्या मतलब है? तू अपने काम से काम रख। अंकल मैं ये कह रहा था कि मेरा खून भी ओ नेगेटिव है और मैं बबलाल को खून दे सकता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं अपने बेटे की रगों में एक मुसलमान का खून तोड़ने दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंकल मेरा खून उससे मैच होता और मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसकी जान बचा लूंगा। तू अपने काम से काम रख और जाए यहां से। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मुझे खून कहीं पे नहीं मिला। अरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और आप उसे घर भी ले जा सकते हैं। क्या सच में? अरे हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अरे धन्यवाद मुझे नहीं, धन्यवाद तो आप उस मुस्लिम लड़के को दीजिए जिसने अपना रोजा तोड़कर आपकी बेटी की जान बचाई है। डॉक्टर साहब मेरा खून ओ नेगेटिव है और मैं बाबूलाल को खून देना चाहता हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है। हाँ तो आपने सुबह क्या खाया था? वो मैंने तो कुछ नहीं खाया। मतलब आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? क्योंकि मैं रोजे से हूँ तो फिर हम आपका खून नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप खाली पेट हैं, या तो आपको कुछ खाना होगा नहीं तो सॉरी, आपके पास लास्ट 15 मिनट है, आगे आपकी मर्जी है आप क्या करें। अब आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। अल्लाह अकबर
भाईजान, ईद मुबारक हो। क्या बात है, आज इतना उदास क्यों है? नहीं वो पापा, आज ईद है ना। तो नहीं पापा कुछ नहीं। अच्छा अकरम के पास जाना चाहता है? हाँ पापा। अच्छा तो जा। जाऊं? जा। थैंक यू पापा। अरे बाबूलाल भाईजान, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो मेरे भाई। सारा कुछ ही नी वीरे रब वल्लों सरना, मेरे भाई मेरे यार सारे नरे हथियार कारतूस वरगे। अंकल रात कीता जी ने एक मेरे लिए, पल भी ना बैठा जेड़ा टेक मेरे लिए। तुझे बोला था ना वो अंकल। ईद मुबारक हो बेटा। ईद मुबारक हो अंकल। ईद मुबारक हो। जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं। आज से मेरे एक नहीं दो दो बेटे हैं। दोस्तों वीडियो था ना किसो लगे हो माने कमेंट करके जरूर बताइयो, और वीडियो ने शेयर कर दियो और लाइक कर दियो, और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी होनी चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, नीचे लाल लाल बटन आ रही है पर क्लिक कर दियो और घंटा भी दबा दियो, और ऑल नोटिफिकेशन दबाओ जो हमारा सगड़ा वीडियो की नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। और मारो एक न्यूज चैनल भी है डीवी राजस्थान, और बैने भी थे सब्सक्राइब कर दियो, और बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आई बटन में भी थाने दिख रही होगी तो वह पर भी थे क्लिक कर दियो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।